यौन शोषण के कथित तौर पर आरोपों से घिरे बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप को जल्द ही मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए समन भेजेगी। हाल ही में अनुराग कश्यप पर एक्ट्रेस पायल घोष ने यौन शोषण और सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाया था। रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली पायल घोष को अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का भी साथ मिला है। इसके लिए अठावले आज दोपहर बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने वाले हैं। अठावले ने मुंबई पुलिस से अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करे, नहीं तो हम जल्द धरना पर बैठेंगे। मंत्री का समर्थन मिलने पर पायल घोष ने उन्हें सोशल मीडिया पर धन्यवाद दिया। पायल घोष ने पिछले हफ्ते फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। FIR में अनुराग कश्यप के खिलाफ आरोपों में दुष्कर्म, गलत इरादे से रोकने और महिला का अपमान करना शामिल है। आरोप है कि साल 2014 में उनके साथ यौन शोषण का प्रयास किया गया। हालांकि अनुराग ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने ट्वीट करके अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। वहीं पायल घोष को बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत का भी सपोर्ट मिला। पायल घोष कई दिनों से न्याय की मांग कर रही थी। पायल ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगी। उन्होंने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि अभी तक डायरेक्टर अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पायल घोष ने 19 सितंबर को ट्वीट कर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने पीएम मोदी से न्याय की गुहार लगाई थी। पायल घोष ने कहा था कि पहले मैं अपने मैनेजर के साथ अनुराग कश्यप से मिली, फिर उसके बाद मैं उनके घर जाकर मिली। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से मुलाकात की थी। उनका व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब दूसरे दिन उन्होंने अपने घर बुलाया तो कुछ चीजें ठीक नहीं हुई मेरे साथ। इसी बारे में मैंने बात की। पायल के आरोपों को अनुराग कश्यप ने खारिज कर दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा था, क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए कि औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम, बस यही कहूंगा कि जो भी आरोप है आपके सब बेबुनियाद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।